हेलो गाइस, राम राम जी। माय नेम इज आरबी और आप देख रहे हैं आरबी गेमिंग चैनल। तो दोस्तों, आज फिर से हम खेलने आ गए हैं मोडेड वन ब्लॉक। तो दोस्तों, कल आपने देखा था, हमने फर्नेस हाउस बनाया था, वो बेहतरीन से काम कर रहा है। और आज भी हम कुछ ना कुछ तो करेंगे, और वो क्या करेंगे, देखिए हमारे जो देखिए बेचारे जानवर देखिए कहाँ घूम रहे हैं। ठीक है, हमारे इधर के भी जो है सही से नहीं है बेचारे, घर में इनका घर ही नहीं बना बेचारों का। मैं जब से इन बेचारों को ऐसे ही बांध रखा है, तो मैं आज इनके लिए एक बर्ड बनाने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पर कोशिश मेरी होगी कि मैं उसको अच्छे से अच्छा बनाऊँ, बट कुछ कमियाँ रह जाए तो उसके लिए भाई मैं पहले ही माफी मांगता हूँ दोस्तों। बट मैं कोशिश जरूर करूंगा कि उसको मैं अच्छे से बनाऊँ, तो कोई बात नहीं। इसके लिए मैं इधर की साइड ही एक जगह तैयार करता हूँ पहले तो, और जगह करके सामान को रेडी करके आपसे जल्दी मिलता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का गेम प्ले जो होने वाला है बर्न हाउस। ठीक है दोस्तों, पहले हमें क्या है उसके लिए एक बनाना पड़ेगा, और उसके लिए यानी एक जो नीचे का बेस तो बनाना पड़ेगा ना। तो बेस के लिए मैं वुड लेने चल रहा हूँ, मुझे वुड चाहिए, तो मैं वुड यहाँ से निकाल लूंगा बेस के लिए भाई अपनी। ठीक है, और वहां पर मुझे ये इतनी वुड मैंने निकाल ली है, और कुछ वुड मुझे वहां पर ब्लैक भी लगने वाली है। स्प्रूज ब्लॉक ही मैं लेने वाला हूं, क्योंकि वहां पे मैं स्प्रूज ब्लॉक से ही शायद कुछ बनाने की कोशिश करूंगा स्प्रूज ब्लॉक। ठीक है, हाँ मुझे यहां से थोड़े से ये भी ले लूँ क्या, इनको भी ले लिया जाए, क्योंकि हे बेल बनानी है तो हे बेल में ये लगेंगे। तो कुछ ये मैं ले लेता हूँ, और कुछ मैं थोड़े से यहाँ पे से सीड्स भी ले लेता हूँ इसके। ठीक है दोस्तों, अब जो है उसकी फटाफट से मैं सोके, और उसके बाद में मॉर्निंग में उसको जो है उसका बनाना तैयार कर दूंगा वहां पर, तो हमारा काम जो है इजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं जल्दी से वहां का बेस बना के आपसे जल्दी मिलता हूं दोस्तों। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मैंने ये बेस तैयार कर लिया है दोस्तों, सारा बेस मेरा तैयार हो गया है। और यहां पर मैंने क्या एरिया लिया है, 35x31 का एरिया मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, 35x31 का एरिया मैंने लिया है, आप भी ऐसे ले सकते हैं, 35 ऐसे है और 31 ऐसे लिया मैंने। ठीक है, ऐसे आप एरिया ले सकते हैं। और बीच से मैंने देखिए बीच का पूरा एरिया है, तो यहाँ से मैंने जो पूरा का पूरा इनका जो है गैप रखा है, देखिए यहाँ से मेरा जैसे स्टार्ट हो रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 सातवें पे मैंने छोड़ दिया है, आठवें से ये स्टार्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये टोटल मैंने 17 जो है ये ब्लॉक ले ली है, उसके बाद का जगह मैंने पीछे खाली छोड़ दिया है। ठीक है, तो आप भी ऐसे 17 का ब्लॉक ले लीजिएगा वहां से, तो 17 का ही हमारा जो बीच का जो एरिया आएगा वो 17 का मैं बनाने वाला हूँ इसको। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, कि जैसे कि हमारा यहाँ पे गेट आएगा, देखिए मेन गेट तो यहाँ पे ही रहेगा, तो गेट के लिए मुझे 1 2 छोड़ के तीसरे पे डाल देना है। ठीक है, 5 हो गए, नहीं 5 1 2 3 हाँ 5 हो गए ना। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे डाल दूंगा इसको, बीच का मुझे हटा देना चाहिए, तो ये 5 पूरा गिनती में हो गया है। ठीक है, ये काम आ जाएगा, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 5 का जो ये एरिया है मेरा गेट का बन जाएगा। ठीक है, ये गेट बन जाएगा, और अंदर का जो सारा सामान है, इधर का जो सिस्टम है वो बन जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, कि जैसे कि मुझे तीन कम से कम इसकी जो चौड़ाई है वो 3 लेके, और चौथे पे ये रख देना, तो ये 3 का कम से कम इसको चौड़ा होना चाहिए। 1 2 3 और ये यहाँ पे डाल दिया मैंने। अगर इसके बाद में यहाँ पे आते हैं तो आप डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर डालता हूँ तो यहाँ बच नहीं रहा कुछ भी मुझे। ठीक है, बच नहीं रहा, बट बचना चाहिए, तो मुझे थोड़ा थोड़ा हाइट इसका एक दो हाइट और लेना चाहिए था। वैसे अभी मैं एक बार पहले उधर का करके देखता हूँ कि अगर उधर जगह बचती है तो फिर देखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये पूरा हो चुका है मेरा गेट का काम। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3 मैंने जगह छोड़ दी है, और चौथे पे मैंने ये ले लिया है, 1 2 3 छोड़ दी है, चौथे पे मैंने ये ले लिया है, 1 2 3 छोड़ दी है, चौथे पे मैंने ये ले लिया। तो सेम जगह पे यहाँ पे भी सेम जगह ही पीछे जो बैक में मुझे बच रही है वो सेम बच रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इतना लंबा चौड़ा बनाना चाहता हूँ मान लीजिए इसको, तो मुझे क्या है कि फिर जगह चाहिएगी पूरी। ठीक है, मुझे थोड़ा सा जगह चाहिएगा। अगर मैं बीच का ये जैसे ये इतना हिस्सा ही मान लो मैं इतना ही बनाना चाहता हूँ, मैं इसको और आगे नहीं लेके जाना चाहता हूँ, तो मुझे ये हटा देने हैं। बट मैं इतना ही करके पहले देखता हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं बाद में इसको एक्सटेंड कर दूंगा। अभी के लिए क्या होगा कि मेरे पास 1 2 3 4 और 4 और 4 8 जो है मेरे को जो है इसमें पशु में डाल सकता हूँ, तो ठीक है मेरे को इतना काफी रहेगा, स्पेस जो है बढ़िया रहेगा मेरे लिए। ठीक है, तो ये दोस्तों ये तो हो गया हमारा, देखिए सारा कार्य यहाँ पे मैंने कर दिया है इसका, ये मेरा गेट हो गया है यहाँ से, और ये मेरा जो है इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब क्या है, अब इसको हमें उठाना है, तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले मुझे बीच का स्ट्रक्चर उठाना है, तो मैं ऐसे ही इसको जस्ट पीछे ले जाता हूँ ऐसे के ऐसे, और यहाँ पर भी एक डाल देता हूँ, और 2 छोड़ के 1 यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, और बीच का मैं सिस्टम यहाँ से हटा
देता हूँ, मान लो मुझे नहीं चाहिए ये चीज़। ठीक है दोस्तों, इतना मेरा काम हो गया है, तो अब मुझे इसमें क्या करना है कि ये चीज़ मैंने कर लिया है, ठीक है ये मेरा हो चुका है, तो इसकी जगह मुझे क्या करना है कि ब्लॉक को रिप्लेस करना है। ब्लॉक को रिप्लेस क्यों करना है मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे ओक वुड तो बीच में भरना है और बाकी वुड जो है ये वाला ओक वुड तो मैं दीवारें बनाऊंगा ना इसकी जो अंदर की होंगी, और बट मुझे यहाँ पर जो चाहिए वो शायद ये वाला ब्रूच, ये देखिए ये अच्छा लगेगा या यही लगेगा, ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसको मैं यहाँ से हटा लूँगा। ठीक है ये सिर्फ मैंने रखने के लिए रख दिया, बट इसको मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है तो यहाँ पर इतना हो गया, और यहाँ पर भी मैं इसको हटा के जस्ट इसको यहाँ पे ये वाले ब्लॉक दे दूंगा, तो इसको अभी के लिए मैं फ्री कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है तो इसको भी मैं यहाँ से हटा के यही बल्ले वाले ब्लॉक लगा देता हूँ। ठीक है ये वाला मैंने यहाँ पे लगा दिया, अब ऐसे ही मुझे इधर कर लेना, तो जल्दी से मैं कर देता हूँ इनको भी हटा के एक एक को। ठीक है ये काम हो गया जाए दोस्तों, जैसे मेरा ये काम यहाँ पे ख़त्म होता है, इसको भी मैं तीन तीन का फिलहाल उठाऊंगा, क्योंकि तीन तीन की हाइट तो कम से कम, तीन की नहीं चार चार की हाइट तो मैं लेके चलूंगा जो है कम से कम, तो फिलहाल मैं तीन तीन की हाइट इसकी ले लेता हूं अभी के लिए। ठीक है ये हो गया मेरा काम अभी यहां का। ठीक है अब मुझे क्या है कि अब मुझे यहां से पूरा एक बिल्डअप लेके चलना है, और इसे मैं ऐसे ही मैं पीछे कर लूंगा, यहाँ पर सेम चीज में मुझे पीछे भी कर लेनी है। ठीक है और यहाँ से एक दो तीन छोड़ के चौथे पे, एक दो तीन छोड़ के चौथे पे। ठीक है ये ठीक है, और अब मुझे इसकी बिल्कुल सीधी सिंपल इधर भी, हाँ वैसे तो मैं इसे भी कर सकता हूँ यार, एक दो तीन करके चौथे पे डालना है। ये बार बार इधर क्यों लगता है मेरे भाई, क्या चक्कर है तेरा, एक दो तीन छोड़ के इधर डाल देना है। तो ये यार साला नीचे इधर की साइड क्यों लग जाता है मेरे को पता नहीं। ठीक है और अब क्या करना है कि मुझे बीच में भी देना है इसको, तो अब मैं यहां से क्या करूंगा, एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच, पांच लेके छठे पे मैं ये डाल दूंगा, और यहाँ से जो मुझे छोड़ना है वो कम से कम एक दो तीन छोड़ के यहाँ पे डाल दूंगा, तो यहाँ पांच आने चाहिए, एक दो तीन चार पांच, देखिए बराबर हो गया है इसको भी मैं, ओहो फिलहाल के लिए मैं तीन तीन इनको भी उठा देता हूँ। ठीक है ये मैंने उठा दिया दोस्तों। ठीक है इधर का भी हो गया है मेरा। ठीक है अब मुझे इधर भी ऐसे ही करना है सेम, पहले मैं चारों तरफ से दीवारें उठानी चालू करूंगा, एक दो तीन चार पांच, और ये छठे पे मैंने ये लगा दिया है, एक दो तीन छोड़ के यहाँ पे डाल दूंगा, तो ये इक्वली बराबर हो जाएंगे। ठीक है ये सारा काम मेरा सिस्टम्स बाय सिस्टम हो गया है, तो अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से, क्योंकि देखिए मेरा रास्ता भी यहाँ पे प्रॉपर बन गया है और मेरा हर चीज़ बन गया। अब मुझे इस बिल्डिंग को जो है उठाना स्टार्ट करना है, उठाने से पहले मुझे इसको भरना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, तो मैं फिल कैसे करूँगा इसको, कि मैं डाउन में तो मैं दूंगा ये वाले, ठीक है इसको मैं चारों तरफ से इसको पहले देना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है इतना हिस्सा जो है मेरा भाई बनके अब भी ये तैयार है। ठीक है इसको अगर चाहे तो हम इसको ये वाला रूप दे सकते हैं, ऐसे कर देंगे तो ये जो है थोड़ा सा सही लगेगा। तो अब मैं इसको सारे को जो है ना ये वाला सिस्टम कर दूंगा। ठीक है दोस्तों ये मैंने चारों तरफ से इसको ये जो सिस्टम है मैंने दे दिया है यहाँ पर, और अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे
ये लॉक्स तो है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे वो अपने जो है ऊपर चढ़ने के लिए भी तो अब सोचना पड़ेगा ना कि ऊपर भी मुझे जाना है अभी, तो जाने के लिए मेरे पास 10 ही है ये, बट 10 से मेरा काम होगा या नहीं होगा मुझे देखना पड़ेगा, क्या मैं 10 से ये काम कर पाऊंगा। अब मुझे क्या पहले स्ट्रक्चर बीच वाला उठा लेना है, बीच वाला मुझे एक बार पूरा कर लेना है ताकि मुझे आगे का आइडिया लग जाए कि कैसे चलने वाला है काम मेरा। तो मुझे पहले इसको एक हाइट और देनी है, ठीक है, ये वाली, तो ये 4 की हाइट इसको मिल चुकी है, ठीक है दोस्तों, 4 की हाइट मैंने इसको दे दी है। और इसको चाहे मुझे 3 की हाइट पे भी रखूंगा, नहीं 4 की दे देनी चाहिए इसको भी, ठीक है। अब मैं इनको भी जो है एक एक, अरे ले ले यार, ले ले भाई, हाइट दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। फाइनली मैंने 4-4 की हाइट सभी की कर दी है, ठीक है, 4-4 की हाइट देने से ये ठीक लग रहा है मुझे कुछ हद तक। तो ये जैसे कि मेरा हिस्सा ये बन गया है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मुझे मैं लेना स्टार्ट करूँगा ऐसे, और यहाँ पर एक दे दूँगा, और ये मेरा रास्ता है, ओके दे दिया मैंने, तो ये मेरा रोड है, ठीक है, और यहाँ पर फिर से मैं इसको दे दूंगा, तो ऐसे ही मुझे इधर कर लेना है। पहले मैं एक बार पूरा अंदर का जो कार्य है उसको पूरा कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे का। तो जो सोच रहा हूँ वैसा ही मैं डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने सोचा है, देखते हैं भाई बन के जब तैयार होगा तब पता चलेगा फाइनली ये कैसा है, कैसा लग रहा है। लो मेरा टूल भी टूट गया है, ये इतना काम तो अब देखिए मेरा हो चुका है, ये मैंने ये कर दिया है। अब इसको भी चाहूँ तो मैं इसको अंदर के हिस्से को जो है मैं कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है। ये जो हो गया, ये तो हो गया मेरा, ये हो गया मेरा रास्ता। अब इसको भी मैं सेम इसकी हाइट में उठा देता हूँ पहले, तो ठीक है जी, ये जो है सारा जो है मेरा एक रोड मैप तैयार हो गया है कि भाई अब ये हमारा इतना हिस्सा तो जो है डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको यहाँ से अब कनेक्ट करता स्टार्ट कर देता हूँ सभी को, ये हो गया है। देखिए दोस्तों इतना स्ट्रक्चर जो है हमारा जो है प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। अब हमें पीछे ये वाला साइड तो हमें देखिए बंद करना है, तो पीछे वाली साइड है ये, तो इसको तो हमें बंद ही करना है, शायद तो हम बंद रखेंगे तब भी हमारे को जो है बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, इस साइड को मैंने बंद कर दिया है क्योंकि ये बैक साइड है, इसको हम खोलने से भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। फिलहाल के लिए तो ये वाली साइड मैंने बंद कर दिया, ठीक है। ये अब भाई ये इतना हिस्सा हमारा जो है, देखिए हमारा ये जो इतना हिस्सा तो है बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम थोड़ा सा गेट का काम करेंगे, गेट को उठाने का काम करेंगे, गेट को वर्क करने का काम करेंगे, तो इसके लिए हमें थोड़े से ये पहले लगा लेने हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमें जो है अपने गेट के लिए अब चलना पड़ेगा, तो गेट के लिए हम चलेंगे कहाँ से, यहीं से चल देते हैं, यहाँ से चलने में ठीक रहेगा, इधर तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। पहले अब मैं उधर का भी करके आता हूँ, अब देखते हैं, तो इतना जो है हमारा काम देखिए गेट का भी बाहर का हो चुका है, ठीक है। अब हमें जस्ट यही सेम डिजाइन हमें पीछे भी कर देना है। अब जो सेम डिजाइन मैंने आगे डाला है वही डिजाइन मैं यहाँ पीछे भी दे दूंगा दोस्तों, तो ये मैंने पहले पूरा कर दिया है, तो इसलिए ये तो खैर दीवार पूरी करनी पड़ेगी मुझे, तो इसको तो ऐसे ही बढ़ा देंगे, ठीक है, ये सही रहेगा कि मैं पहले ही इस दीवार को बढ़ा दूँ, ठीक है। यहाँ से इतना हो गया है, मरना मत,
इसकी बार को मैं साथ साथ बढ़ाता भी रहूंगा दोस्तों। ठीक है, और ये वाला हिस्से में थोड़ा सा मुझे, ठीक है, ये देखिए दीवार पूरी बंद हो गई है, ये सही हो गया काम। अब मैं थोड़ा नीचे उतर जाता हूँ, अब मेरा काम यहाँ पर खत्म हो गया। ये वाला हिस्सा पीछे का मैंने बंद कर दिया है, और इसको मैं इसको तो ये पीछे का तो हमारा देखिए इतना हिस्सा मैंने पूरा कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसको आगे खींचना है, आगे की तरफ खींचना है। तो अब क्या है कि मुझे पहले यार मुझे सो लेना चाहिए, मुझे लग रहा है कुछ ऐसा तो ज़ॉम्बीज आ जाएंगे। मुझे इसको पहले इतना बंद कर देना है दोस्तों, मुझे एक बार सो लेना चाहिए। ठीक है, मॉर्निंग हो गई है मुझे। मैं ये कह रहा था कि इसको जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया है पहले टेम्परेली, तो मैं अब इसको बंद कर देता हूँ, पूरा मुझे बंद करना है इसको यहाँ पर, क्योंकि मुझे ये हिस्सा अब मुझे जरूरत नहीं है इसकी फिलहाल, इतना मैंने कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं मुझे अब ऊपर चलना है, और ऊपर कहाँ से चलूँगा भाई, ऊपर के लिए उतारने पड़ेंगे ये। ठीक है, मैं ऊपर आ गया हूँ दोस्तों, तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे कि मुझे यहाँ पर एक लगाना है, एक यहाँ पर लगाना है, एक यहाँ पर लगाना है, एक यहाँ पर लगाना है, और ऐसे ही मुझे इस साइड में भी लगा देना है बस, क्योंकि डिज़ाइन आप जानते हैं कि सिंपल डिज़ाइन तो ऐसे ही निकलता है। और जस्ट मुझे शिफ्ट दबा के इसको ऐसे भी लगा देना है, इस ऐसे ही इधर से, और ऐसे ही मुझे इधर से भी लगा देना है इसको प्रॉपरली। ठीक है, और ये बीच की जो जगह खाली बची हुई है इसके अंदर मैं ये वाला ब्लॉक दे दूंगा। ठीक है, चाहे तो मैं इसको हटा सकता हूँ, अब इसका कोई जरूरत वैसे है नहीं, क्योंकि ये दिखाई देगा भी नहीं पीछे, तो हम इसको लेके चल सकते हैं पीछे की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो ये हिस्सा इतना तो काम मेरा हो गया, बट मुझे अब एक काम और करना है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि मुझे थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा एक मिनट के लिए। जैसे ये तो काम मेरा हो गया, बट मैं इस डिजाइन को इस हिसाब से नहीं बनाना चाहता, मुझे अब थोड़ा सा यहाँ पर भी काम है। जैसे कि मुझे अगर ये डिजाइन इतना लेके आना है नीचे, तो इसको यहाँ तक लाना पड़ेगा मुझे, और अब मुझे थोड़ा सा फिर से ऊपर जाना पड़ेगा, मुझे यहाँ से भिड़ा के भी एक डिजाइन सेम टू सेम ऊपर चढ़ाना है। ठीक है, शिफ्ट दबा के रखेंगे और इसको हम ऊपर लेते चलेंगे, इतना शायद इतने में हो जाएगा। उसको भी मैं लेके आता हूँ यहाँ तक, फिर देखते हैं कहाँ कहाँ पर हमारे को जरूरत है। तो इसको भी मैंने बढ़ा दिया है, तो ये भी हमारा आ गया है, और बीच में हम क्या दे देंगे ये, ओहो पांडे जी क्या करते रहती हो तुम, ये दे देते हम। ठीक है, तो अब क्या होगा कि दोस्तों के ये देखिए, आपको मैं थोड़ा सा दूर से दिखा दूँ, थोड़ा सा इसको इसमें क्या होगा, थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा कि ये थोड़ा इस टाइप का डिजाइन बनने लग जाएगा। तो हमें नीचे भी ये चीज पहले भर दूंगा, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो अब थोड़ा सा देखिए, अब ये दूर से अगर मैं दिखाऊं तो आपको ये थोड़ा सा डिजाइन इस हिसाब से, इसको भी हटा दूं थोड़ा सा, तो इधर का तो आपको ऐसा लगाई देगा, और ऐसे ही मुझे इधर कर देना है। तो मैं इधर भी चल देता हूं पहले, इधर का भी करके फिर आपको दिखाता हूं। तो अब मैं आपको दूर से थोड़ा सा इसको दिखाऊं, अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। देखिए मैंने इसको इसका ये डिजाइन दे दिया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ये इस हिसाब से हमारा जो है बर्न हाउस बनेगा, ये नई थोड़ा सा डिजाइन मैंने इसका चेंज कर दिया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने जैसे ये वाले जो तीन लिए थे, मैंने तीन तीन करके लिए थे, जैसे तीन की जगह छोड़ी थी, तो मैंने एक आगे बढ़ा दिया ताकि ये इसके सेंटर में आ जाए, तो ये थोड़ा सही लगेगा। तो इस हिसाब से आप इधर भी कर लीजिएगा, ये मैंने अभी चेंज कर दिया है ये वाला डिजाइन। तो आपका ये डिजाइन इतना हो गया है, ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसको हम पीछे बढ़ाते हुए चलेंगे। अब क्या है कि मुझे अब इसी डिजाइन को ऐसे लेके चलना, बट उससे पहले मुझे एक काम कर लेना है कि मुझे अब अंदर का जो है ये सिस्टम, उसको इसको रखता हूँ पहले, मैं इसको निकालता हूँ, मुझे फिल करते हुए ये पूरा फिल कर देना है अंदर से, ताकि ये अंदर से किसी को दिखाई ना दे। ठीक है, ये वाला सिस्टम हटा देता हूँ, ये तो दिखेगा ही नहीं, वैसे भी नहीं दिखाई देगा, तो इसको यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अब हमें सिंपल सी बात है कि हमें ये वाला डिजाइन जो है प्रिफेयर करके चलना पड़ेगा, बट ये चलने नहीं दे रहा है साले, रुजा बेटे रुजा, ऐसे एक ऐसे और एक ऐसे। अब क्या इतने इतने हमने ये डबल डबल दो दो कर देने हैं, पहले मैं ये सारी जगह पे दो दो कर देता हूँ दोस्तों, फिर जो है आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करना चाहता हूँ, मेरी चाहत क्या है।
ठीक है, इसको भी हम एक बार पूरा कर लेते हैं पहले ही। इसको यहाँ पे लगा दिया और बीच में मैं ये दे दूंगा और ऐसे ही मैं इधर का भी ये पूरा कर लूंगा। ठीक है, ये इतना हिस्सा हो गया। अब इसको हमें ऐसे ही बढ़ाना है पीछे की साइड में, और बट मुझे पहले पीछे का भी मुझे ऐसे स्ट्रक्चर बना लेना है, क्योंकि अब मैं नीचे उतर लेता हूँ। पहले नीचे क्या उतरना, पहले हाँ नीचे उतरना पड़ेगा मुझे भाई साहब, नीचे तो उतरना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे पीछे का भी स्ट्रक्चर ऐसे ही सेम टू सेम खींचना है। ठीक है तो दोस्तों भाई, आगे और पीछे मैंने दोनों साइड में देखिए आपको दिखा दूँ। खाना खा लेना पड़ेगा थोड़ा सा, पेट भूखा मर गया है मेरा प्राणी। तो देखिए मैंने पीछे भी कर दिया है और आगे भी कर दिया, सेम डिजाइन मैंने ये सेम लुक जो है पीछे भी दिखा दी है, ठीक है, और आगे भी कर दी है। अब मुझे एक काम करना है दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर इतना ले लिया है, तो अब मुझे इसको फिल भी करना है इस वाले हिस्से को, क्योंकि मुझे ऊपर का एरिया बंद करना है अपने लिए प्रॉपरली। मुझे ऊपर का जो एरिया है वो खाली चाहिए, बट ये पहले मुझे ऊपर का डिजाइन पूरा फाइनल करना पड़ेगा दोस्तों, तभी मुझे पता चलेगा कि नीचे अब मुझे क्या करना है। अब इसको बस मुझे यहाँ से खींचना स्टार्ट कर देना है। पहले मैं इसके बीच वाले एरिया को मैं पूरा फिल मिला लेता हूँ आपस में, जो भी इसके बीच बीच के एरिया है ना उनको मैं पूरा मिला लेता हूँ। तो एक ये वाली भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये मुझे मिल जाएगी। अब मैं इसको भी भरना स्टार्ट करूँगा, बट अब हम इसको थोड़ा सा डिजाइन देते हुए भरेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये वाला तो हिस्सा जो है वो तो नीचे वाला तो ऐसे ही भरा जाएगा, बट इसको मुझे थोड़ा चेंजिंग करूँगा मैं, बीच वाले हिस्से को मैं थोड़ा थोड़ा करके चेंज कर दूँगा। अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको हम जैसे कि मैंने यहाँ से लिया, इसको पहले हम नीचे वाले को ही मैं फिल कर देता हूँ ताकि मैं गिरूँ नहीं और इजीली हमारा काम होता चला जाए। पहले मैं इसको पूरा फिल कर लूँगा, बीच में जहाँ भी तोड़ना पड़ेगा उसको मैं बाद में तोड़ दूंगा, बट इसको पहले मुझे नीचे से ऊपर तक यहाँ तक फिल कर लेना है। अब मैं यहाँ पर क्या देने वाला हूँ, अब मैं ये वाले जो है ओक्स लगा, ये वाले जो है मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है, और बीच का इसका भी सपोर्ट मैं जो है वो वाले ब्लॉक से मैं भर देता हूँ। डार्क ओक से ही मैं यहाँ से भी इसको भरना स्टार्ट कर देता हूँ। पहले इसको फिल कर देते हैं, ठीक है, इसको मैंने फिल कर दिया। अब ऐसे ही मुझे इधर भी फिल कर देना है, इसको फिल करते हुए चलना है, ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है, और इसको भी भर देना है ऐसे ही। बस मुझे अब यही करके करते हुए चलना है आगे पीछे की तरफ में, और कुछ नहीं करना है दोस्तों, मुझे इसी को फिल करते हुए जो है चलते रहना है। पहले मैं एक को फिल कर देता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे थ्री दे दिया है तो थ्री मैं पहले इधर दे देता हूँ ताकि डिजाइन मेरा जो है वो एक ही चले, एक ही रूप से चले। मैं ये देखना चाहता हूँ कुछ गड़बड़ होगी तो फिर देखा जाएगा, या बीच में मैं इसको भर दूँ, इसी को भर दूँ बीच में। पहले मैं पीछे भी मैंने दो दो भर रखे हैं, मैं इसको बीच में इसको भर दूँ तो कैसा लगेगा, दिखाई देगा, दिखने में तो यार सही लगेगा वैसे तो, बीच में अगर इसको भरा जाए अच्छा ही लगेगा, बुरा तो नहीं लगना चाहिए, बट मैं एक बार भर के देखूँ इसको। अगर मैं बीच में यहाँ तक भर देता हूँ उसको, ठीक है, तभी इसके निशानों तक मैं इसको फिल कर देता हूँ। पहले ठीक है, यहाँ से फिर मैं ये वाले लॉक्स लगा देता हूँ बीच में, एक बार इसका डिजाइन हो जाएगा कुछ चेंज, ठीक है, और फिर मैं यहाँ से यही वाले डिजाइन खींच देता हूँ। अब फिर से यहाँ पे मुझे ये वाले दे देने हैं, तो ये थोड़ा सा तो चेंज हो जाएगा बट ज़्यादा चेंज नहीं होगा, देखते हैं एक बार बना के कैसा लगता है दोस्तों। गलत लगना ज़रूरी है इसको भाई, इसको गलत लगना ज़रूरी है। मैं कितना कोशिश कर लूँ आराम से, देखो कितने आराम से काम कर रहा हूँ तब भी गड़बड़ हो जा रही है, हैं, शांति नाम की चीज़ नहीं है। ठीक है, इतना मैंने ये कर दिया, बट इसमें थोड़ा चेंजिंग कर सकते हैं, बट चेंजिंग की जरूरत नहीं है, मुझे जो लग रहा है चेंजिंग की जरूरत नहीं है, इतना ठीक है। अब मैं इसी के आधार पे इसका डिजाइन जो है मैं देता हुआ चला जाऊंगा दोस्तों। ये दोस्तों भाई देखिए, मैंने ये भी इतना कर दिया है यो कि मेरा काम हो गया भाई, देखो अब ये मेरा इतना काम हो गया है, ये अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। अब मैंने थोड़ा थोड़ा और काम है इसके अंदर, मैं अगर जाऊँ तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए इसको ऐसे बना सकते हैं हम,
ठीक है जनाब। अब इसको देखते हैं थोड़ा, फाइनली ये इसका लुक है, ठीक है। अभी के लिए तो इसका ये लुक आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। और अंदर से ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब हमें अंदर भी क्या करना है, हमें अंदर भी हमें काम है। अब मुझे थोड़े से लॉक्स और बनाने हैं, क्योंकि अब मुझे अंदर की जगह को फिल करना है। जैसे कि मैं ये वाली जगह है, इसको मैं फिल करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अब ऊपर भी थोड़ा स्टोरेज जो है चाहिएगा ऊपर के लिए। तो मैं इस वाली जगह को भी मैं पूरा प्रॉपर तरीके से बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर एक छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर जीना वगैरह अगर हम देना चाहें तो हम लैडर वगैरह यहाँ पर दोनों साइड में दे दूंगा, तो ये ऊपर चढ़ने के लिए हो जाएगा हमारा एक रास्ता, ठीक है दोस्तों। जैसे कि एक लैडर मैं यहाँ दे देता हूँ, ठीक है, और एक लैडर मैंने उधर दे दी है, तो दो लैडर हो जाएंगी ये ठीक हो जाएगा। एक लैडर मैंने इधर दे दी है, तो दो लैडर का रास्ता हम बना सकते हैं इजिली। हमारा दो लैडर का रास्ता हो जाएगा इनका, और बाकी को मैं अभी फिल कर देता हूँ, क्योंकि अब हमारा जो ऑलमोस्ट काम है जो हो चुका है बर्न हाउस के लिए भी। अब सिर्फ इसके अंदर भाई थोड़ा साजो सामान रखना है, सजावट करना है इसका, बस वही काम जो है मेरा बाकी है। जैसे कि अब ये इसको भी अगर चाहूँ तो मैं इसको, भाई हमें जानवर ही तो रखने हैं इसके अंदर अपने, तो मैं इसको भी एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर वो चीज़ ना करके हुए मैं यही चीज़ लगाना चाहता हूँ, क्योंकि इससे क्या है कि मेरे को ज़्यादा अच्छा इसी से लग रहा है दोस्तों, देखने में भी और करने में भी। ये वाला जो है लोग सारा ऐसा हो जाएगा, तो अंदर का मुझे थोड़ा सा सिंपल ही डिज़ाइन है, कोई ज़्यादा वो वाली बात नहीं है दोस्तों। देखिए ये दोनों एक्यूरेट हो जाएंगे, बीच में मैं गिलास दे दूंगा इसके, ताकि हमारा को प्रॉपर जो है ग्लास दे दो, चाहे भाई इसके अंदर कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं जिस हिसाब से बना रहा हूँ, आप ये नहीं कि आप भाई प्रॉपर आपको उसी हिसाब से बनाना है, नहीं, आप चेंजिंग कर सकते हैं उसकी, ठीक है। मैं जिस हिसाब से बना रहा हूँ आप भी उस हिसाब से बनाएं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। और हाँ, ये वाले जो गेट है अभी मुझे खोलने नहीं है, बट मैं खोलना तो नहीं चाहता, बट इसको यहाँ पर मैं ऐसे ग्लासेस दे दूंगा, तो ये थोड़ा सा क्या डेकोरेशन टाइप भी हो जाएगा, ठीक है ना। जो ये वाले गेट है ये मुझे नहीं खोलने हैं इसके, ये वाले गेट मुझे नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि मुझे एक ही मेन गेट चाहिए इसका जो आने जाने के लिए है, वो ठीक है मेरे लिए। और चाहूँगा तो मैं, मुझे अगर पीछे बैक का भी देखना है, तो मैं ये वाला बी सिस्टम यहाँ से गिलास के जरिए खोल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं गिलास दे दूंगा, ठीक है। एक मैंने यहाँ लैडर लगा दी है, और एक लैडर मैं यहाँ पे दे दूंगा, ये मेरे ऊपर चढ़ने के लिए हो जाएगी, और इसको भी मैं एक और दे देता हूँ, ठीक है। अब ये ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, तो ये वाली जो स्टोरेज यहाँ पर भी हम अपनी चेस्ट वगैरह रख सकते हैं, भाई जो कुछ भी हमें स्टोरेज का काम है वो हम यहाँ पर रख सकते हैं। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये देखिए, इतना तो हमारा जो है दोस्तों ये बन के, इतना हिस्सा जो है बन के तैयार हो गया, बट मुझे यहाँ पर भी भरने हैं वही ग्लासेस के लिए, मुझे प्रिपेयर करना है ये एरिया भी, तो मैं चारों तरफ यही चीज़ भर दूंगा भाई, मुझे और कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि मैं अपने एक डिज़ाइन के रूप में ही इसको ले रहा हूं, तो एक जैसा डिज़ाइन ही मैं रखूंगा इसका। ये नहीं है कि भाई मैं अलग अलग चीज़ें कर सकता हूं, करने को मैं भी कर सकता हूं, बट मुझे नहीं करना है, मुझे यही एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है इसका यही वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं इसी को लेके चलूँगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इधर का सारा मैंने शायद कर पीछे का रह गया है थोड़ा सा, शायद हिस्सा एक इधर का रह गया है, इसको भी हम फिल कर देते हैं पहले, ठीक है ना। अब इसमें गिलास की बारी रह जाएगी, गिलास हम भर देंगे अब इसमें बना के, गिलास हमारे पास भर बन जाएंगे, गिलास बहुत है यार हमारे पास, जो हमने वाटर स्ट्रेनर का जो फार्म बना रखा भाई, वहाँ से इतने सारे मेरे को वो मिलेंगे सैंड, और हमारे जो गिलास है, हमारे जो फर्नेस हाउस है उसमें देखिएगा कितनी जल्दी मैं ग्लासेस बना दूंगा, और इसके अंदर अपना सारा ये रख के उसको बस चालू करना है, और देखिए अब कमाल, देखिए भाई ग्लास आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। मैं अब इनमें गिलास भरना स्टार्ट कर देता हूँ, गिलास लगा देते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने ये तीन गेट्स बना लिए हैं, अब मुझे क्या करना है, एरिया डिवाइड करना है उनका। तो अब मैं यहाँ से अपना जो है लेके इसको बंद करना चालू करूँगा, पहले पूरा प्रॉपर को बंद कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, यहाँ से मैंने लिया था एक दो तीन, और एक दो तीन ही इधर से लिया था मैंने, और ये बीच का ये पड़ रहा है इसका ये वाला हिस्सा, तो मैं यहाँ से इसको बंद करना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। ये वाला हो गया है, और अब यहाँ पर मुझे गेट देना है, कहीं पर भी मैं एक गेट दे दूँगा यहाँ पर, जैसे कि
मैं एक गेट दे देता हूं यहां पर, बस इतना ही मुझे काम करना है यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा कुछ मुझे नहीं करना है, मुझे सिर्फ बाड़े बना देने हैं अब अपने जानवरों के लिए, जो मैं जानवर यहाँ पर लाने वाला हूँ, और इतना ही उनको एरिया मिल जाएगा। वो इतना एरिया मुझे जानता हूँ कि मानता हूँ कि इतना एरिया उनको लिए काफ़ी है घूमने के लिए। भाई देखिए, 5 ब्लॉक दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 ब्लॉक घूमने के लिए दे रहा हूँ, और क्या चाहिए। ऐसे ही मैं इधर भी बना देता हूँ, क्योंकि घास घास दूँ या नहीं दूँ, मुझे तो नहीं लगता कि मुझे घास देनी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि जब खाना मैं मुझे ही देना है इसको प्रॉपरली, खाना तो मैं ही दूंगा ना भाई। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 4-4 का एरिया, ये 8 जानवर मैं इसके अंदर इजिली ला के अपने बसा सकता हूँ अभी के टाइम पे। अब ये 3 का हमारा काम हो गया भाई, हमारी यहाँ पे लालटेंस लग चुकी हैं, अब बट एक एक लालटेंस हमें यहाँ पर भी देनी है, ताकि उजाला रहे पीछे भी हमारे, जो है चारों तरफ अब उजाला करना है हमें। अब हमें यहाँ पर भी लालटेंस देनी है, ताकि ये क्रीपर भाई साहब जो हैं इसके जैसे भाई साहब यहाँ पर आए नहीं हमारे पास में, तो यहाँ पर भी हमें देते हुए चलना है। जैसे कि एक लालटेन में यहाँ दे दूंगा, एक लालटेन में यहाँ दे दूंगा, और एक यहाँ पर भी देनी है, पीछे भी तीनों की जगह पे मुझे लालटेन देनी है भाई। आगे दिए तो पीछे नहीं दोगे, तो ठीक है दोस्तों, ये पीछे का भी हिस्सा मैंने भी इतना तो कर दिया है अभी के लिए फिलहाल। अब साइड से यहाँ पर भी देनी है मुझे लालटेन, तो यहाँ पर भी मैंने लालटेन दे दी है। अब फाइनली जो है भाई, ये इतना तो मेरा कार्य पूरा हो गया है अपने जानवर को, अब हम लेने आए, लेने के लिए चलते हैं लीड से, जो लोग जल्दी आएंगे। लीड्स थी मेरे पास में, हाँ 3 लीड है मेरे पास, ठीक है, मैं 3-3 लीड करके 3-3 को पकड़ पकड़ के ही लेके आऊँगा। एक इसको पकड़ा, आजा बे आजा, एक इसको पकड़ा, एक इसको पकड़ा, आओ अब तो आओगे बेटा, तो मैं खींच खींच के ले जाऊँगा। आ गए देखो, अब आ गए ये साले, ये इन्होंने अभी परेशान कर रखा है मुझे, बदतमीज कहीं के। आओ अंदर आओ, क्या अब आ जाएंगे दोस्तों। अब मैं ऐसे ही सारे जानवरों को मैं अंदर लाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ठीक है दोस्तों, भाई देखिए, हमने सारे जानवर अभी जितने भी मेरे पास जानवर थे भाई, उनको तो मैंने अंदर डाल दिया दोस्तों। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आ गए हैं हमारे, देखिए पिग्गी आ गए हैं हमारे, जो है चिकन्स भी आ गए हैं, ठीक है। इधर हमारी 2 तरह की काव थी, वो काव भी आ गई है, और जो इधर है हमारे शिप्स आ गए हैं। अब ये बची है, ये जो जगह बची हैं, इनके अंदर भी और जानवर जो आएंगे हमारे पास, उनको मैं लाके यहाँ रख दूंगा, और ऊपर हमारे पास स्टोरेज का काम, स्टोरेज का भी काम हो जाएगा, और यहाँ पर भी कुछ हमारे को अभी रखना है वो रख देंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया देखिए फाइनल, अब फाइनली मेरा देखिए जानवर वगैरह इसके अंदर आ गया है सारा चीज हो गया। मैं गेट खोल के ही रख देता हूँ, हर चीज़ मेरी इसके अंदर हो चुकी है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेशन देने का टाइम है, कि हमें इसको थोड़ा सा डेकोरेशन भी मुझे करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। तो ठीक है दोस्तों, डेकोरेशन तो देखिए आप अपने हिसाब से दीजिएगा, मैंने ये फाइनल है, मैंने आपको ये बना के दिखाना था कि मैंने ये इतना काम कर दिया है, और आप अपने हिसाब से डेकोरेशन दे सकते हैं, जैसी भी चाहेंगे वैसी चाहे तो। देखिए आप, ये थोड़ा सा डिजाइन और बेटर हो गया है, इसके ऊपर और भी कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आप गमले लगा सकते हैं इसके ऊपर, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली देखिए, हमारा जो है भाई बिल्ड बनके तैयार है दोस्तों, सब अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर हमारे जानवर भी इजिली रह रहे हैं, अभी मुझे इसके अंदर कुछ नहीं करना है, अभी ये बेस सारा मेरा तैयार है। तो आपके सामने मैंने ये बना के तैयार कर दिया है हमारा जो है भाई बर्न हाउस भी। तो दोस्तों अगर ये गेम प्ले आपको अच्छा लगा हो, तो गेम को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आपके लिए बाय, राम राम जी।